नमस्कार, मैं अब्दुल कलाम आज़ाद आरजेड क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज है 12 जून और 12 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उन सब की चर्चा हम अपने इस वीडियो में करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हो सके तो आप लाइक करें और पूरी वीडियो को देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में किस अध्यादेश संशोधन को मंजूरी दी गई है और हाल ही में ये हुआ है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश गोवध निवारण 1956। इसमें अमेंडमेंट हुआ है और ये अब 2020 के कानून के तहत बन गया है। अब उत्तर प्रदेश ने, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। उत्तर प्रदेश ने क्या किया, 65 वर्ष पुराने इस गोवध नियम में संशोधन किया। संशोधन करने के बाद इसको मंजूरी दे दिया। इसकी इस संशोधन का मेन लक्ष्य क्या है, गाय की रक्षा करना और गोवध से संबंधित अपराधों को रोकना, और जो भी गोवध करता हुआ पाया जाएगा उससे अधिकतम 10 साल की प्रिजमेंट होगी, जेल होगी, ये इसका इंपॉर्टेंट है, और 5 लाख रुपए तक, कितने रुपए तक, 5 लाख रुपए तक उसको जुर्माना के रूप में दंड करने का प्रावधान रखा गया है। अब आप यहां पे उत्तर प्रदेश देख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनको आप इन तस्वीर में देख सकते हैं। और अगर हम उत्तर प्रदेश से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो आप ये लिस्ट में देख सकते हैं यहां। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस अश्वेत को अमेरिकी वायुसेना में पहली बार प्रमुख बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है चार्ल्स ब्राउन जूनियर। ये पहली अश्वेत अमेरिकी सैनिक है जिनको वायुसेना का प्रमुख बनाया गया है। अब इनकी नियुक्ति जो हुई है वो 9 जून को हुई है, और ये जो चार्ल्स ब्राउन है इनका सैन्य सेवाओं में नेतृत्व करने वाले पहले अश्वेत अधिकारी हैं और वो वायुसेना के कमांडर भी रह चुके हैं। इनके पास लगभग 2900 से ज़्यादा घंटों का उड़ान का अनुभव है, और ये कब शामिल हुए थे एयरफोर्स के अंदर, 1984 में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। अच्छा, अभी अमेरिकी अश्वेत का नाम जिक्र आया तो मैं आपको अमेरिकी अश्वेत के बारे में, एक कभी हाल ही में अमेरिका में काफ़ी चर्चा में है, तो एक जॉर्ज फ्लाइट नामक व्यक्ति हैं जिनको पुलिस ने बर्बरतापूर्वक या उनकी पुलिस की हिरासत में मौत हो गई। उसके बाद पूरे अमेरिका में एक विरोध प्रदर्शन का लहर चल पड़ा है, तो जॉर्ज फ्लाइट है, इनको आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पुलिस हिरासत में मौत के बाद ये काफ़ी भयंकर रूप में प्रदर्शन चल रहा है अमेरिका में, तो ये आप उनको पहचान सकते हैं, देख सकते हैं, इनको इनका नाम याद रखिएगा, जॉर्ज फ्लाइट। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के अनुसार भारत में प्रथम रैंक पाने वाली संस्थान कौन है? तो ये QS एक संस्थान है, एक्वेरियल साइमंड्स, ये एक संस्था है जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज की ताज़ा रैंक जारी करती है, तो उसके हिसाब से भारत में जो भी संस्थाएं हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें प्रथम रैंक कौन आया? तो इसका सही जवाब है IIT मुंबई। अब ये भारत में प्रथम है, कहाँ पे है, भारत में प्रथम है, प्रथम है, परंतु पूरे ऑल वर्ल्ड में इसकी रैंकिंग क्या है, तो आपको ये लिस्ट दे रहा हूँ मैं, इसमें आप देखिए, इस लिस्ट में आप देख लीजिए भारत की रैंकिंग। अच्छा, 500 यूनिवर्सिटीज़ का इन्होंने रैंकिंग जारी किया है, 500 यूनिवर्सिटीज़ का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 8 भारतीय संस्थान हैं। पिछले साल ये 20 पायदान पीछे था, अभी ये आगे 20 पायदान और फिसल कर नीचे आ गया है। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन, ये लिस्ट देख लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में PRA कुरुनजीजा का निधन हो गया, वो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो इसका सही जवाब है बुरुंडी, बुरुंडी के राष्ट्रपति थे, उनका ये तस्वीर है आप देख सकते हैं। अब ये 15 साल तक महत्वपूर्ण, इसमें जो फैक्ट है, 15 साल तक ये सत्ता में रहे हैं,
15 साल तक राष्ट्रपति रहे और अभी भी करंट में थे, अगस्त में ये रिटायर होने वाले थे, छोड़ने वाले थे। इनका मतलब कई शांति प्रयास इन्होंने किया, तो इनको शांति प्रयास के लिए 7 अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल अवार्ड मिले हुए हैं, ये नोट कर लीजिएगा आप। अब बुरुंडी के बारे में हम जानते हैं, बुरुंडी क्या है, यहाँ की राजधानी क्या है, गिटेगा है, यहाँ की राजधानी क्या है, गिटिगा, गिटिगा, और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो बुरुंडियन, बुरुंडियन फ्रैंक चलता है, बुरुंडियन फ्रैंक चलता है, तो ये नोट कर लीजिएगा। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किसकी अध्यक्षता में स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए पुनः एक नई समिति का गठन किया गया है, तो इसका सही जवाब है जी किशन रेड्डी, जी किशन रेड्डी। इन्होंने अभी एक कमेटी का गठन किया है, नई समिति का गठन किया है, जो स्वतंत्रता सैनिकों के सेनानियों के कल्याण के लिए बनाया गया है। अब इसमें क्या होगा, ये लगभग 30,000 स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों को पेंशन बना देने के लिए दिया गया है, बनाया गया है। इस पैनल में, जो ये पैनल था, इस पैनल में रेड्डी के अलावा, यानी कि जी किशन रेड्डी जी के अलावा, गुजरात के पूर्व कांग्रेस विधायक दिनाकर भाई देसाई भी शामिल थे, जिन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। अच्छा, जी किशन रेड्डी जी कौन है, तो ये गृह राज्य मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, इनको आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कोविड-19 के कारण अंबासगन का निधन हो गया, वो किस राज्य के विधायक थे, तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु, तमिलनाडु। ये अंबासगन जो तमिलनाडु के डीएम के नेता, डीएम के द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 3 बार के विधायक रहे हैं और उसके महासचिव भी थे, उनका अभी कोविड-19 के तहत निधन हुआ है, तो इनको इस तस्वीर में देख सकते हैं। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार को कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया, तो यहां पे 4 ऑप्शन है, तो इसका सही जवाब है रैमन मैग्सेसे अवार्ड, रैमन मैग्सेसे अवार्ड को कोविड-19 के कारण रद्द किया गया। अब इस अवार्ड के बारे में, यह अवार्ड एशिया का नोबेल कहा जाता है और ये केवल तीसरी बार है, थर्ड टाइम है जब इस अवार्ड को रद्द किया गया। पहली दफे इसको 1970 में रद्द किया गया था वित्तीय संकट के समय, और 1990 में इसको रद्द किया था फिलीपींस में आए एक भयानक भूकंप के कारण। तो ये 3 बार रद्द किया गया और इस बार कोविड-19 के कारण इसको रद्द किया गया है। अब ये पुरस्कार मैनिला बेस्ड फाउंडेशन द्वारा प्रदान की जाती है और फिलीपींस गणराज्य के तीसरे जो राष्ट्रपति हैं, थर्ड राष्ट्रपति, कौन से राष्ट्रपति आप याद रखिएगा, थर्ड राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे, उनके नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया है। इसको कब स्थापना इसका की गई थी, तो 1957 में इसकी स्थापना की गई थी, 1957 से मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मर्सर के कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो ये कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020, मर्सर एक मैगजीन है जो ये निकालती है, सर्वे के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन है, तो इसका सही जवाब है मुंबई, मुंबई भारत का रहने वाला सबसे महंगा शहर है। अच्छा, ये भारत के लिए तो सबसे महंगा शहर है, लेकिन दुनिया में 60वें नंबर पर इसका स्थान है, यानी दुनिया का 60वां सबसे महंगा शहर है मुंबई, और एशिया में कहाँ पे, एशिया में 19वें नंबर पे, तो नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, एशिया में 19वें नंबर पे है। अच्छा, सबसे ऊपर अब ये पॉइंट आ रहा है, तो इस सर्वे के अनुसार प्रथम वो सबसे महंगा शहर कौन है पूरी दुनिया में, तो हांगकांग है, आप इस बात को नोट कर लीजिएगा, हांगकांग ये दुनिया का सबसे खर्चीला सबसे महंगा शहर है रहने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग ने अगले वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर अनुमानित किया है, तो इसका सही जवाब है 9.5%। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग ने अनुमान लगाया है कि भारत का अर्थव्यवस्था अगले वित्त वर्ष में 9.5% की दर के साथ वापसी करेगा,
इससे पहले इसने अनुमान लगाया था कि अप्रैल 2020 से पहले चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी 5% पर आ जाएगी। यह भी उजागर हुआ है कि 9.5% की वृद्धि तभी संभव है जब देश की वित्तीय क्षेत्र के स्वास्थ्य में और गिरावट से बचा होता है। तो अगर ऐसा होता है तो इसका अनुमान है कि अगले वित्तीय वर्ष में भारत 9.5% की दर से आगे बढ़ेगा। अब फिच रेटिंग्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप देखिए। अच्छा, फिच रेटिंग विश्व की 3 सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसियों में से एक है। 2 प्रमुख एजेंसियां मूडीज और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है। तो ये नोट कर लीजिएगा, इसके सारे पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रति ड्रॉप मोर क्रॉप का संबंध किससे है? तो इसके 4 ऑप्शन में से सही जवाब है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रति ड्रॉप मोर क्रॉप का संबंध ये प्रधानमंत्री कृषि योजना से है। इसमें 4,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा किसान अपने खेतों के लिए कुछ नई आइडियाज़ के साथ अपने फार्मिंग को आगे बढ़ा सकें। तो उसके लिए 4,000 करोड़ रुपया का व्यवस्था किया गया। इसके लिए नाबार्ड जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के साथ माइक्रो इरिगेशन फंड्स कर्व का निर्माण की भी जानकारी दी गई है, जो कि मतलब ये सारे व्यवस्थाएं संभालेंगे। और यहाँ पे कृषि मंत्री की मैं बात करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है तो इस समय वर्तमान कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है, आप उनको इस तस्वीर में देख सकते हैं। आज का सारे सवाल खत्म होते हैं, कल के सवाल का जवाब मैं आपको बताता हूँ। वंदे उत्कल जननी को किस राज्य सरकार ने राज्य गीत का दर्जा दिया था? तो इसका सही जवाब था उड़ीसा, और उड़ीसा में ये वंदे उत्कल जननी को राज्य सरकार ने राज्य गीत की दर्जा दिया है। आज का सवाल जो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। नैमिषा 2020 का संबंध किससे है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इनमें से कोई नहीं। आज के सारे सवाल खत्म होते हैं। आप से फिर से मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आप हमको फेसबुक पे भी आप सर्च कर सकते हैं facebook.com/rjitclasses, और इंस्टाग्राम पे भी आप हमारे वीडियोज़ को सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं। तो instagram/rjitclasses.com प्लीज़। और इस पूरे वीडियोस की PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप हमको टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको सारे PDF और वीडियोस के लिंक आपको प्रतिदिन मिल जाया करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।